फाइनली माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हमने बना दी एकदम सेफ चेस्ट। अब इसको कोई भी नहीं खोल सकता इसकी बिना चाबी के। ये देखो मैंने चाबी पकड़ के इसको खोल दिया है बिना चाबी के इसको। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे चेस्ट में से सामान चोरी कर लेता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुमको चेस्ट को लॉक करने का तरीका बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं तुम्हें सामान दिखा देता हूँ कि क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पर कुछ इतना सामान लगने वाला है एक चेस्ट को लॉक करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेस्ट को रख देते हैं और ये एक और चेस्ट डबल चेस्ट होगी। अभी हमें ये देखो नॉर्मल हाथ से तो ये खुल जाती है। अभी चेस्ट के ऊपर के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पर 38 और एक ब्लॉक ऊपर 59 और 52। उसके बाद हमें कमांड ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली। यहाँ पर कमांड ब्लॉक रख कर हमें इसमें कमांड डालनी पड़ेगी स्लैश यहाँ पर फिल और यहाँ पर हमें फिर कोऑर्डिनेट डालने पड़ेंगे। मैं फटाफट से कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ और यहाँ पर आखिरी वाला क्या था 52। ओके अभी एक और बार यहाँ पर डालने पड़ेंगे 38 माइनस 59 और यहाँ पर 52 और फिर यहाँ पर आगे लिखना है बैरियर और हमारा काम कंप्लीट। और यहाँ पर इसको रिपीट और यहाँ पर ऑलवेज एक्टिव पर सेट करना है। और उसके बाद ये चेस्ट होगी एकदम लॉक, कभी इसको कोई भी नहीं खोल सकता। अभी हमें इसकी चाबी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर इसके ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है तब ये नहीं खुल रही है। अभी यहाँ पर इसकी की बनाते हैं फटाफट से। यहाँ पर एक कमांड ब्लॉक और रखना है और यहाँ और इसमें कमांड डालनी है स्लैश इंचेंट और यहाँ पर तुम अपने इंचेंटमेंट का नाम रख सकते हो जैसे कोई सा भी टूल्स हो गया। और यहाँ पर ये देखो ये वाला साइन एट द रेट पी, यहाँ पर पी की जगह तुम अपनी आईडी भी डाल सकते हो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद एक इंचेंटमेंट का नाम रखना है जो तुम्हारी की पर लगेगी और जैसे मैं यहाँ पर अपनी आईडी डाल देता हूँ ताकि मेरे अलावा कोई भी ये चेस्ट को नहीं खोल सके। और यहाँ पर मैंने अनब्रेकिंग डाल दिया और इसको रिपीट और ऑलवेज एक्टिव पर सेट कर देना है। अभी एक और कमांड ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है हमें। सबसे पहले इसके आगे यहाँ पर कंपैरेटर लगाना है उसके बाद यहाँ पर एक कमांड ब्लॉक डालनी है उसके बाद इसमें डालना है स्लैश फिल फिर वहाँ के कोऑर्डिनेट डालने हैं चेस्ट के ऊपर के जो उस वाले कमांड ब्लॉक में डाले थे। इसे मैं डाल देता हूँ 38 और यहाँ पर 59 माइनस का और यहाँ पर फिर 52 और एक और बार यहाँ पर डालना है 38 और फिर यहाँ पर एयर। उसके बाद यहाँ पर इसको रिपीट और यहाँ पर नीड रेडस्टोन पर कर देना इसको सेट, ऑलवेज एक्टिव पर नहीं नीड रेडस्टोन पर तब ये काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें ओके अभी सब कुछ रेडी हो गया है हमारा की वगैरह चेस्ट हो गया लॉक। अभी ये देखो नॉर्मल साथ से ये नहीं खुलने वाली है, कोई भी इसको खोलने की ट्राई करेगा नहीं खुलने वाली है। अगर हम इसकी की हाथ में पकड़ेंगे तो अगले वाले कमांड ब्लॉक में करंट पहुंच जाएगा और यहाँ ऊपर से बैरियर हट जाएगा और चेस्ट खुल जाएगी, वरना इसके अलावा तुम्हारी चेस्ट नहीं खुलने वाली है, कोई भी ट्राई करेगा तो नहीं खुलने वाली और तुम्हारा सामान भी चोरी होने से बच जाएगा। ये देखो इसके ऊपर बैरियर लगा हुआ है और की हाथ में पकड़ते ही बैरियर हट जाएगा और यहाँ पर हमारी चेस्ट भी खुल जाएगी। ये देखो हमें बस तीन कमांड ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है। अगर तुम ऐसे एमपी में खेलते हो तो तीन कमांड ब्लॉक का जुगाड़ कर लेना बस कैसे भी करके और यहाँ पर फिर तुम अपनी चेस्ट को लॉक कर सकते हो। ये देखो नहीं खुलने वाली है और यहाँ पर हम अपना सामान डाल देते हैं और ये चेस्ट होगी लॉक। अभी ये नहीं खुलने वाली है, तुम्हारा सामान चोरी होने से बच सकता है अगर तुम्हारे पास तीन कमांड ब्लॉक है। बस कैसे भी करके ऑपरेटर से बात करके अपनी एसएमपी में बस तीन कमांड ब्लॉक का जुगाड़ कर लेना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।